आगरा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर मैं आशीष सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्त आज पीजीटी कला के अंतर्गत आज बात आपसे की जाएगी, कला के विकास क्रम की बात की जाएगी और इसके साथ ही कला का अर्थ क्या है, कला की परिभाषा क्या है और इसका वर्गीकरण और वर्गीकरण के आधार पे। तो चलिए हम आपसे डिस्कस करते हैं आज कला के इस महत्वपूर्ण चैप्टर पर। दोस्त यहाँ देखिएगा टीजीटी कला, बात हो रही है आपसे टीजीटी कला की और यहाँ पे ध्यान देंगे कि कला के विकास की बात होगी कि कला का विकास किस प्रकार से हुआ। तो दोस्त जो कला के विकास के काल की जो बात की जाएगी या ऐसे समझें कि इसके चरण की बात की जाएगी तो आप ऐसे समझें कि कला का अगर यदि हम उसके इतिहास की बात करें तो कला इतिहास उतना ही पुराना है जितना मानव जीवन का क्या है, इतिहास पुराना है। दोस्त यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैंने स्पेशली मेंशन कर दिया कला का विकास। तो कला का विकास ऐसे समझें कि उस कालक्रम से प्रभावित होता हुआ आगे बढ़ा जब से मानव जीवन इस धरती पर अपनी उत्पत्ति और इसके साथ ही अपने जीवन की उन्नति समृद्धि, यहाँ पे ध्यान देंगे कि कला का विकास मानव जीवन के विकास के साथ ही जुड़ा हुआ है और कला किस तरह से धीरे धीरे विकसित हुई तो आप इसको ऐसे समझेंगे कि मानव जीवन की उत्पत्ति और उसके साथ ही मानव जीवन अपने सुख समृद्धि तथा अपने दैनिक जीवन में उत्तरोत्तर विकास या उत्तरोत्तर गतिशील होता हुआ आगे की क्रम पर एक के बाद एक बढ़ता रहा। इस समृद्धि इस क्रियाशीलता को ही हम कह सकते हैं कि यही से कला का क्या हुआ, विकास हुआ। यदि हम इसे इतिहास के साथ कोरिलेट कराएं या इसे इतिहास के साथ जोड़ने का प्रयास करें तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि प्रागैतिहासिक काल अर्थात कला का विकास का प्रमाण या ऐसे समझें कि कला वहां से प्रारंभ होती है जब इतिहास लिखित रूप में प्राप्त नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए ऐतिहासिक काल और प्रागैतिहासिक काल। दोस्त आप जानते हैं प्रागैतिहासिक काल से तात्पर्य सीधे वही है कि जहां पर आपको इतिहास के या जीवन के या आप ऐसे समझें कि इसके लिखित साक्ष्य आपको नहीं प्राप्त होते हैं। तो यहां पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि कला का विकास प्रागैतिहासिक काल से ही प्रारंभ माना जाता है। तो यहां पे हम पहले नंबर पे ही ये देख लेंगे कि कला के विकास का संबंध है। तो प्रश्न बनेगा कि कला के विकास का संबंध है और यहाँ पे कई काल लिखे हुए होंगे तो आपका जो सही आंसर होगा यहाँ पे जो सबसे पहले कि कला के विकास का जो पहला चरण होता है वो कहाँ से प्रारंभ होता है, प्रागैतिहासिक काल से। तो हम दोस्त यहाँ पे ऐसे समझेंगे कि मानव जीवन की उत्पत्ति व्युत्पत्ति के साथ ही मानव ने अपने जीवन में जैसे ही निरंतर सुख समृद्धि या ऐसे ही नई आशाओं आकांक्षाओं के साथ उत्तरोत्तर परिवर्तन के क्रम में आगे बढ़ता रहा यही से कला का प्रारंभ माना जाता है। और हम जो अगर काल की संज्ञा की बात करें तो यहाँ से प्रागैतिहासिक काल अर्थात जो कला का प्रारंभ माना जाता है वो किस काल से, प्रागैतिहासिक काल से। तो दोस्त यहाँ से कुछ हमने ये बात जाना कि कला के इतिहास के बारे में कि इसके विकास का क्रम क्या था या इसके विकास किस प्रकार से हुआ। देखिए बहुत लेंथी टॉपिक्स होते हैं और वहां पे बहुत ढेर सारे इंफॉर्मेशन इस तरीके के होते हैं जो आपके ओरिजिनल एग्जाम की दृष्टि से कोई महत्व नहीं रखते, उलझाऊ होते हैं। तो दोस्त यहाँ पे एक अपनी विशेषता बता दें कि नोट्स में कभी मैं कचरा नहीं डलाता कि बहुत सारी अगर आपको 125 प्रश्न आने हैं तो 125 कॉपियां नहीं भरी तो उसका कोई औचित्य नहीं। आपको टीचर की आवश्यकता ही इसीलिए होती है कि कम से कम मटेरियल में वो अधिक से अधिक प्रश्नों को क्या करे, फंसा दे और जहां से आपकी सफलताएं सुनिश्चित हो जाए। दोस्त अगले क्रम पे आते हैं और यहाँ पे ध्यान देंगे
यहाँ पे देखिएगा कि कला का अर्थ अर्थात तो वास्तविक जीवन में कला क्या है, कला क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्त, मैंने बताया था कि आनंद या सुख की अनुभूति, जिस कार्य क्रिया को करके आनंद या सुख की अनुभूति प्राप्त हो या जिससे जीवन आनंदमय हो, आप उसे कला की संज्ञा प्रदान करते हैं। यहाँ पे देखिए स्पेशली मेंशन किया है कि कौशल के माध्यम से निपुणता। अब दोस्त वहां पे जो मैंने आपको बताया था कि आनंद प्रदान करना या इस तरीके से अनौपचारिक जो इसके पहले की वीडियो में बात की गई थी, अब वहां से थोड़ी सी गहराइयों में जाएंगे और ये देखेंगे कि कौशल के माध्यम से निपुणता पूर्वक कार्य संपन्न करना। सारे अर्थों का यहाँ पे मैंने सार लिया हुआ है कि जब कोई भी व्यक्ति किसी कार्य को करके आनंद की अनुभूति करता है और व्यक्ति उस कार्य में अपना 100% बेहतर करने का प्रयास करता है, तो माना जाता है कि व्यक्ति उस कार्य को कौशल या कला के माध्यम से एकदम पूरी सफलता पूर्वक या निपुणता पूर्वक उस कार्य को कर रहा है। तो जब हम किसी भी कार्य या व्यवहार को अपनी निपुणता के साथ संपन्न करने का या कराने का प्रयास करते हैं दोस्त, वही पे हम कहते हैं कि वहां पे क्या होता है, जब हम किसी भी कार्य को 100% अपनी योगदान देते हैं तो हमें काम कार्य करने में आनंद की अनुभूति होती है, या ऐसे व्यवहारिक तौर पे समझे कि मुझे मजा आता है। तो दोस्त इसी को क्या कहते हैं, इसी को हम कला की अवधारणा या कला की संज्ञा प्रदान करते हैं। तो दोस्त हमने ये समझा कला का अर्थ क्या है कि किसी भी कार्य में को कौशल के माध्यम से, या ऐसे समझे कि उस विषय विशेष या वस्तु विशेष में निपुणता के माध्यम से जब हम अपना बेस्ट देने का प्रयास करते हैं अर्थात उसमें सौंदर्यीकरण का प्रयत्न करते हैं दोस्त, वह औपचारिक भाषा में क्या कहलाती, कला कहलाती है। हम आगे बढ़ेंगे और कला की कुछ परिभाषाओं को दोस्त देख लेंगे और यहाँ पे ध्यान देंगे कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं कि प्लेटो के अनुसार, प्लेटो के अनुसार क्या है कि सत्य की अनुकृति, मतलब कि सत्य आपको क्या करना, सत्य का प्रदर्शन या जो वास्तविक जगत में सत्य है उसका एक रूप प्रदर्शित करना क्या कहलाता है, यहाँ प्लेटो के अनुसार वह कला कहलाती है। नेक्स्ट आएंगे दोस्त यहाँ पे देखेंगे कि अरस्तु के अनुसार, अरस्तु साहब ने क्या कहा कि कला प्रकृति का अनुकरण करता है। अनुकरण शब्द से तात्पर्य होता है दोहराव करना या उसके जैसा ही प्रदर्शित करना। दोस्त अगर वास्तविक जीवन में या वास्तविक जगत में अगर हम ये देखना चाहें कि वास्तव में कला क्या है, तो दोस्त इस धरा या धरातल की सबसे सुंदर और मनोरम प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं होती हैं, उसको जब हम क्या करते हैं कि क्रमबद्ध रूप से हम उसे अपने व्यवहार में प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं, वो वस्तु के माध्यम से भी कर सकते हैं, सौंदर्यीकरण के माध्यम से कर सकते हैं, गीत के माध्यम से कर, मतलब उसके तरीके विभिन्न होते हैं, जब हम उसको हम क्या करते हैं अपने जीवन में ले आ करके प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं दोस्त, वह क्या कहलाती, कला कहलाती। किसके अनुसार, अरस्तु के अनुसार। दोस्त नेक्स्ट आएंगे फ्रायड के अनुसार, और फ्रायड ने कहा कि कला दमित वासनाओं का उभरा रूप है। दोस्त यहाँ पे समझेंगे फ्रायड साहब का क्या कहना, ये पूर्णतः अचेतन से संबंधित क्या थे, मनोवैज्ञानिक थे या वैज्ञानिक थे या विचारक थे। तो इन्होंने कहा है कि व्यक्ति जो भी कार्य व्यवहार करता है, जैसे आप इन्होंने कहा कि अचेतना पर सबसे ज्यादा फोकस किया, अचेतना से तात्पर्य कि हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में ढेर सारी ऐसी इच्छाएं उत्पन्न होती है जिसको उस दैनिक जीवन में पूर्ण करना कठिन होता है या संभव नहीं होता। तो ऐसी इच्छाएं क्या होती है कि व्यक्ति के द्वारा दमित कर दी जाती है, जब हम किसी कार्य व्यवहार को कर रहे होते हैं तो वे इच्छाएं हमारे उस व्यवहार के माध्यम से बाहर निकलने का प्रयास करती है। तो फ्रायड साहब का कहना कि कला दमित वासना, मतलब हमारे अंदर जो भावनाएं इच्छाएं
कमित की हुई होती है, जो हम कला का स्वरूप प्रदान करते हैं, तो हम बहुत कुछ उसी के अनुसार प्रदान करने का प्रयास करते हैं। तो साहब यहाँ पे थे फ्रायड। नेक्स्ट आएंगे और यहाँ पे देखेंगे हीगेल महोदय को। इन्होंने कहा कि कला आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है। इन्होंने भी साहब देखिए एकदम स्पष्ट तौर पे कह दिया कि कला क्या है। कला आपको प्रकृति से इन्होंने जोड़ा, कह रहा कि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम, आदि भौतिक सत्ता। तो यहाँ पे आप ऐसे समझेंगे कि प्रकृति को अपनी कलाकृतियों के माध्यम से प्रदर्शित करने की कौशल को हम क्या कहेंगे, कला कहते हैं। नेक्स्ट लेंगे बहुत फेमस परिभाषा है जो कि अक्सर एग्जाम में आपके पूछा जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने क्या कहा कि मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है किसके माध्यम से, कला के माध्यम। मतलब कि हम अपने अंदर के निहित भावनाओं को, आकांक्षाओं को, इच्छाओं को, अपने अंदर निहित विभिन्न प्रकार के गुणों को हम क्या करते हैं, व्यक्त करने की हमारा या प्रदर्शन करने की विधि क्या कहलाती है दोस्त, कला कहलाती है। तो यहाँ पे थे आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। हम अगले क्रम की परिभाषा की बात करें तो देखेंगे दोस्त नेक्स्ट परिभाषा है डॉक्टर श्याम सुंदर दास की। इन्होंने कहा कि जिस गुण या कौशल के कारण, जिस गुण या कौशल के कारण किसी वस्तु में उपयोगी गुण आ जाता है उसे कला की संज्ञा प्रदान की जाती है। मतलब कि आप किसी कार्य व्यवहार को कर रहे हैं और वह कार्य और व्यवहार उपयोगी, शब्द यहाँ पे देखिएगा उपयोगी गुण आ जाए, अर्थात वह वहां पे अपनी प्रासंगिकता को सिद्ध करने लगे या अपनी प्रासंगिकता को, अपने औचित्य को प्रदर्शित करने लगे, तो साधारण शब्दों में वो कला कहलाती है। दोस्त यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट क्रम में। अच्छा यहाँ पे हम आपसे चर्चा कर लेते हैं कि देखिए पहले क्रम पे यहाँ पे सीधे यही बनता है प्रश्न, यहाँ पे ध्यान देंगे कि कला का विकास से एक प्रश्न यहाँ से सीधे बनता है कि इसका संबंध किस काल से है या इसके विकास का क्रम कहाँ से शुरू होता है। दोस्त पहला प्रश्न है आपका प्रागैतिहासिक काल। नेक्स्ट पूछता है कि कला का वास्तविक अर्थ क्या है। तो दोस्त ऐसे समझे कि आप एक लाइन में यदि आपको कहना है कि कला का वास्तविक अर्थ क्या है तो ऐसे समझेंगे कि कला जीवन की वह अभिव्यक्ति है जो विषय वस्तु को में को रुचिकर एवं प्रासंगिक सिद्ध करती है। एक लाइन में ऐसे समझेंगे दोस्त। यहाँ पे नेक्स्ट क्रम पे यहाँ पे पूछता है कि किसने कला को सत्य की अनुकृति कहा है, किसने कला को सत्य की अनुकृति कहा है। दोस्त किसने कहा है, प्लेटो ने कहा है। नेक्स्ट क्रम पे ध्यान देंगे कि किसने प्रकृति कला को प्रकृति का अनुकरण करता कहा है। दोस्त यहाँ पे होगा अरस्तु ने कहा है। नेक्स्ट प्रश्न यहां से बनता है दोस्त कि तमित वासनाओं या अचेतन भावनाओं के प्रकटीकरण को कला किसने माना है। दोस्त यहाँ पे आप प्रश्न में जो भी देखेंगे वहां पे ऑप्शन लगाएंगे फ्रायड साहब को। नेक्स्ट क्रम पे आते हैं कि कला को भौतिक सत्ता के रूप में प्रदर्शित करने का प्रयास किसने किया है। दोस्त यहाँ पे होगा आपका हीगेल महोदय ने किया है। नेक्स्ट क्रम पे देखेंगे कि यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर में कि किसने कहा है कि मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति कला के माध्यम से करता है। तो दोस्त इस प्रश्न के आंसर होगा आपका रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट ये देखेंगे कि कला को उपयोगी गुण के आधार पर परिभाषित करने का प्रयास किसने किया है। दोस्त यहाँ पे हो जाएगा डॉक्टर श्याम सुंदर। नेक्स्ट अब आते हैं दोस्त यहाँ पे देखेंगे कला के वर्गीकरण पे, और यहाँ पे देखेंगे कि कला का वर्गीकरण दो भागों में किया जाता है। दोस्त कितने भागों में, दो भागों में। अगर हम पहले नंबर की बात करें तो इसको कहते हैं उपयोगी कला
और दूसरे नंबर की दोस्त यहाँ पे बात करें तो इसको कहेंगे ललित कला। दोस्त उपयोगी कला आप किसको कहेंगे, जो हमारे जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ण करे, जो हमारे जीवन की आवश्यकताओं को, महत्वाकांक्षाओं को, हमारे जीवन जीने की अभिप्रेरणा को प्रदर्शित करे या उसको इंगित करे, दोस्त क्या कहलाता है, वह उपयोगी कला कहलाता है। दोस्त यहां से देखिए, जो पहले क्रम में प्रश्न यहां से बनेगा कि कला का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया, दोस्त यही से एक प्रश्न हो जाएगा। दो पूछेगा कि कला का वर्गीकरण किया गया है ऑप्शन नंबर ए उपयोगी कला, ऑप्शन नंबर बी ललित कला, ऑप्शन नंबर सी ए व बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्त ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि इसका वर्गीकरण दो में उपयोगी कला और ललित कला में किया गया है। नेक्स्ट क्रम में आएंगे और यहां हमने बताया कि जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ण करें, अर्थात हमारे जीवन जीने की कार्य दशा या व्यवहार को, हमारी महत्वाकांक्षाओं को, हमारी अभिप्रेरणाओं को जब वह प्रभावित करे और यहां से हमारे जीवन की मूलभूत क्या हो, हमारी मूलभूत आवश्यकताएं प्रभावित हो, तब यहाँ पे हम इस कला को क्या कहते हैं, उपयोगी कला की संज्ञा प्रदान करते हैं। जैसे आभूषण का निर्माण करना, व्यक्ति यहाँ पे क्या करता है कि जीवन की सुंदरता को, आभूषण क्या है, किसी व्यक्ति विशेष के जीवन चरित्र को उसमें और ज्यादा अलंकृत करना, क्या है आभूषण का प्रयोग क्यों किया जाता है कि व्यक्ति और भी ज्यादा खूबसूरत और भी ज्यादा आनंदमय प्रदर्शित हो। और दोस्त मैंने यही बताया कि इसी को क्या कहते हैं कला, और ये किस कैटेगरी में रखा जाएगा, दोस्त उपयोगी कला में। नेक्स्ट वही बातें आगे दोहराई जाएंगी कि रंगाई छपाई बढ़ई गिरी इत्यादि। दोस्त यहां से प्रश्न कैसे बनेगा कि आभूषण का निर्माण करना निम्न में से किस कला का उदाहरण है, तो दोस्त यहाँ पे आप जो सही आंसर लगाएंगे उपयोगी कला। इसी प्रकार से रंगाई के बारे में पूछेगा, छपाई के बारे में, बढ़ई गिरी के बारे में, कि कला के या कला किस कला से या प्रभावित है, किस कला के अंतर्गत आता है, दोस्त उपयोगी कला के अंतर्गत यह आता है। एक जो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वर्गीकरण से कि किस कला के माध्यम से व्यक्ति भौतिक सुख की अनुभूति करता है या भौतिक सुख को प्रदर्शित करता है या व्यक्ति में भौतिक सुख का आनंद प्राप्त होता है, तो दोस्त होगा उपयोगी कला, अर्थात जो हमारे जीवन की आवश्यकता को क्या करे, पूर्ण करता है, उससे व्यक्ति को भौतिक सुख की प्राप्ति होती है और सीधे तौर पर यह उपयोगी कला कहलाता है। नेक्स्ट क्रम में आएंगे दोस्त और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ ललित कला, अर्थात कला वर्गीकरण का दूसरा ललित कला। यहाँ पे सीधे तौर पे देखिए लिखा हुआ है कि मानसिक या आत्मिक सुख की प्राप्ति। अब देखिए यहाँ पे आवश्यकताएं पूर्ण हो रही थी, अब यहाँ पे व्यक्ति की मनोदशा की संतुष्टि की बात की जाएगी, अर्थात यहाँ पे मानसिक और आत्मिक सुख की प्राप्ति, मतलब वह कार्य या व्यवहार जिसको करने पे व्यक्ति को संतोष प्राप्त हो, सुख की अनुभूति हो, और वहां पे क्या हो कि व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से अपने आप को समायोजित पाए, तो इस प्रकार के कला के रूप को क्या कहते हैं दोस्त, ललित कला कहा जाता है। अब यहाँ पे समझेंगे मानसिक या आत्मिक सुख का संबंध किस प्रकार के कला से है, तो सीधे लगाएंगे ललित कला। नेक्स्ट आएंगे कि ललित कला के कितने प्रकार होते हैं, दोस्त इसके पांच प्रकार होते हैं, अर्थात ललित कला को पांच भागों में बांटा गया है। दोस्त पहले क्रम पे ले लेंगे चित्रकला, दूसरे क्रम पे ले लेंगे मूर्ति कला, तीसरे पे वास्तुकला, चौथे पे संगीत कला और पांचवे पे काव्य कला। तो दोस्त एक प्रश्न यहाँ बनता है कि ललित कला को कितने भागों में बांटा गया, तो दोस्त
यहाँ पे आप लगाएंगे कि इसको पांच भागों में या इसके पांच प्रकार होते हैं। यहाँ यही से एक और प्रश्न बनता है कि निम्न में से ललित कला का रूप है, और ऑप्शन में कोई एक होगा और बाकी हटा के अन्य विकल्प दे दिए जाएंगे। या ऐसे बनता है कि निम्न में से ललित कला का प्रकार नहीं है, और यहाँ पे ऑप्शन में तीन रहेंगे, एक को हटा करके दूसरा दे दिया जाए। तो दोस्त यहाँ से आपको देखिए, ये थे आपका एक उपयोगी और महत्वपूर्ण चैप्टर, और इस चैप्टर को हमने डिफाइन किया और इससे बनने वाले लगभग प्रश्नों को आपको सम्मिलित किया। दोस्त यहाँ पे इसको आगे के क्लास में डिफाइन करते हुए आपको एक नेक्स्ट या अगली क्लास का आपको प्रदर्शित किया जाएगा। थैंक यू।